क्या आप अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का IFSC कोड जानना चाहते हैं? क्या आपको आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का IFSC कोड नहीं पता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का IFSC कोड पता करने के तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप केवल 2 मिनट में एकदम आसानी से अपने ब्रांच का IFSC कोड पता कर लेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के गोमती नगर का IFSC कोड सर्च करके बताने जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आप अपने एरिया का IFSC कोड निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ पे हमें टाइप करना है बैंक IFSC कोड। टाइप करने के बाद हमें सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आपको इनमें से इस साइट को ओपन कर लेना है। साइट ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको आपका बैंक सिलेक्ट करना है। यहाँ हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का IFSC कोड पता करना है, तो यहाँ हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड ऑप्शन में हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट का कोड हमें पता करना है, जैसे कि हमने यहाँ उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। अब थर्ड ऑप्शन में आपको आपका जिला सिलेक्ट करना है। आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिस ब्रांच का IFSC कोड पता करना है उसके जिले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ लखनऊ सिलेक्ट किया। अब फोर्थ ऑप्शन में आपके ब्रांच का नाम शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि हमें गोमती नगर ब्रांच का IFSC कोड पता करना है, तो हम यहाँ गोमती नगर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे ही पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। अब हमें स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। हम देख सकते हैं यहाँ बैंक का पूरा एड्रेस और इसके थोड़ा नीचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के गोमती नगर ब्रांच का IFSC कोड दिया गया है। ठीक ऐसे ही आप अपने ब्रांच का IFSC कोड पता लगा सकते हैं। आशा करती हूँ पूरी मेथड आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।